हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से स्कर्दू फ्रॉम द इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ एयर ब्लू। ये नीचे लाउंज में जो है वो शुरू हो गया चेक इन, तो वहाँ पे चेक इन करके लोगों को भेज रहे हैं। अभी हम भी नीचे जाएंगे और जाके अपना चेक इन। दैट इज़ आवर प्लेन, वो सामने जो खड़ा हुआ है एयर ब्लू का, ये न्यू वाला वेरिएंट है जिसके साइड पे जो है वो, इसको बोलते हैं शार्क फिन्स, साइड में जो बिल्कुल जाके परों के लगे हुए। सो ये फ्यूल एफिशिएंट जहाज़ जो हैं उनके इस तरह से साइड में विंग्स बनाए होते हैं। जो A320 का पुराने वाला वेरिएंट है उसमें आगे से इस तरह से कट लगा हुआ है एक, बट यहाँ पे शार्क फिन लगा हुआ है। सो हमारा लगेज जो है दैट इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, वो कन्वेयर बेल्ट उन्होंने लगाई है और उसके ऊपर लगेज अंदर जा रहा है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चेक इन ऑलरेडी शुरू। आपको ट्यूब में लोग नज़र आ रहे होंगे, अंदर जाना शुरू हो गए। सो जैसे ही थोड़ा सा फुर्सत होती है तो हम निकलते हैं। फाइनली वी आर इनसाइड द प्लेन, तो वो सामने छोटू सा जहाज खड़ा हुआ है APPLE। ये अक्सर यहीं पे पार्क होता है, हमने तो जब जब देखा है इसको। इट्स स्मॉल प्लेन, और इसके साथ ये बड़ा इसका जो है वो बाबू खड़ा हुआ है, ब्लू A320। ये इसका विंग स्पैन है एयर ब्लू A320 का, एंड ये ऑल सेट टू टेक ऑफ, पुश बैक शुरू होने लगा। औज बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। टैक्सी शुरू होने लगा है और साथ ही ये जो है उसकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी शुरू कर देंगे। अभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बोलने लगे हैं और उसके साथ ही फिर जो है वो हमारा टैक्सी शुरू हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि दोनों प्रवास अपने हिफाजती बंद बांधे रखें, क्योंकि प्रवास अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चट्टा हिस्सा वक्त के दराज पर पट्टी कसने, खोलने के लिए बकरी के ऊपर का हिस्सा उठा लें। अगर किसी भी वक्त केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो आपका पीटा ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। इस मास्क को झटके से खींचे ताकि ऑक्सीजन की फरहमी शुरू हो जाए। अपना जाती मास्क उतारते वक्त नाक और मुंह को पहले मास्क से ढक लें। मास्क नाक और मुंह पर रखे प्लास्टिक मट्टी को खींच के कसने और हजे मामूल सांस लें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क फिर इस्तेमाल लाएं। केबिन में धुएं की मौजूदगी की सूरत में फर्श पर लगी खुद कर पट्टियां या बत्तियां जहाज से बाहर निकलने में आपकी रहनुमाई करेंगी। बरए मेहरबानी निश्चित खिचे में रखे हुए मास्क के मास्क कार को गौर से पढ़ लें। हंगामी हालात में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं। दो जहाज के पिछले हिस्से में दायर बाएं, चार जहाज के दरमियानी हिस्से में दायर बाएं, दो जहाज के अगले हिस्से में दायर बाएं वाक्य है। टेक ऑफ लैंडिंग से कबल खिड़की पर्दे खोल दें। किसी भी हंगामी से तैयार हो जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुकना जाए अपने हिफाजती बात बांधे रखें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। Finally we are on the runway now and we're gonna take off from here. उधर से हम आए वहाँ से टैक्सी करके और यहाँ से हमारा टेक ऑफ जो है वो शुरू होने लगा।
क्लाउड्स गोइंग अबाउट। कुछ नजर नहीं आ रहा बिकॉज नीचे सारे क्लाउड्स हैं एंड इट्स वेरी जर्की। सभी नजर आया बिल्कुल क्लाउड्स की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। क्लाउड से ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा कुछ नजर आएगा। नहीं स्टिल वी आर इनसाइड क्लाउड्स। कैन यू सी द विंग? यस देयर इज द विंग, देयर इज द विंग। इम्तियाज बना नहीं रहा। We are flying inside the clouds since last 5 minutes. Well, finally we are outside the clouds now, but still we are taking height. आपको जो wing है वो ऊपर नीचे जाता नजर आ रहा होगा। कुछ clouds हैं वो अभी भी हमारे ऊपर हैं, उनसे भी हमने ऊपर निकलना है। But still जो major clouds का portion था वो हमने गुजार दिया है and we are almost out of them. अभी बस हमें थोड़ा सा जो है इससे ऊपर निकलना है, तो ऊपर जाके हो सकता है फिर आपको कुछ पीक्स वगैरह जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो थोड़ा सा जो है वो क्लैरिटी को ऊपर आ गई जैसी। आज वेदर बहुत 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 ज़्यादा क्लाउडी है और जब से हमने टेक ऑफ किया नीचे कोई चीज़ नहीं नजर आई। किसी वक्त हम क्लाउड से बाहर निकल आते हैं, किसी वक्त दोबारा से, अभी फिर दोबारा से क्लाउड्स में आए और फ्लाइट जो है बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो रही है। लेट्स गो फॉर द सेफ फ्लाइट। काफ़ी मतलब थोड़ी देर के लिए वी गॉट द सन एंड उसके बाद अभी दोबारा से आप देखेंगे फ्लाइट जो है वो दैट इज जर्की। इस वक्त हमारी आधे घंटे की फ्लाइट हो चुकी है, 45 मिनट्स की फ्लाइट है और इस 30 मिनट्स में अभी तक हमें नीचे जमीन का कोई टुकड़ा नजर नहीं आया और बादलों की वजह से बाहर ना कोई माउंटेन नजर आई है, कुछ भी नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जो चल रहा है वो सिर्फ टर्बुलेंस है, मुसलसल टर्बुलेंट हो रहा है जहाज। ये नॉर्मल फ्लाइट तो है ही है एयर ब्लू की, लेकिन इन एक्चुअल भी इनॉग्रल हो गई है कि इस्लामाबाद से टेक ऑफ करके वी आर अबाउट टू स्टार्ट आर डिसेंट फॉर स्कर्दू और अभी तक पायलट ने एक भी अनाउंसमेंट नहीं की। एक दफ़ा कॉकपिट से मतलब अनाउंसमेंट होने की कोशिश की, लेकिन वो क्लाउड इतने ज़्यादा थे कि वो पायलट जो हैं दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर फ्लाइट पाथ। तो अभी तक पायलट की तरफ से जो वेलकम मैसेज होता है ना वो भी नहीं आया एंड वी आर ऑल सेट टू मेक आर अप्रोच टूवर्ड्स स्कर्दू वैली। और इस वक्त जो है अगर आप मेरे से पूछें कि मैं किस जगह हूँ तो मोस्ट लाइकली वी आर समवेयर नियर चिल्लास। मतलब 30 मिनट प्लस जो है फ्लाइट हो चुकी है और अभी तक जो है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई किसी भी समय पायलट की तरफ से। आगे सारी 8000 हैं वो जो पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स नज़र आ रही हैं।
बट वी आर मेकिंग आर अप्रोच फ्रॉम शिगर साइड प्रॉपरली शिगर वैली नो वी नॉट ऑन शिगर साइड हम इस वक्त अस्तक वाली साइड से जो है अपनी अप्रोच बना रहे हैं टूवर्ड्स करदू वैली एंड करदू वैली इज विजिबल डाउन देयर फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू करदू वैली जो सामने आपको किडनी माउंटेन्स भी नज़र आ रही हैं और ये नीचे जितना है ये इंडस रिवर का वो कटबना डेजर्ट है और इसके साथ साथ जो है बिल्कुल हम इस वक्त रनवे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं एंड प्लेन अगेन उधर जाएगा वहाँ से जाके ऊपर से जो है मूव बनाएगा और मूव बना के फिर आगे लैंड कर जाएगा सो इट्स वेरी ब्रॉड वैली और सूरज बिल्कुल जो है वो हमारे ऊपर आ गया एंड वी ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल यू रंस कर्दू सिटी दैट इज सतपारा लेक एंड दैट रूट गोज टू दी देवसाय सतपारा आज है वो काफ़ी क्लियर है एंड आई एम नॉट श्योर कि अभी तक काफ़ी हाइट पे है आई डोंट नो व्हाई इसको अभी इसकी हाइट बहुत कम होनी चाहिए थी इसको नीचे होना चाहिए था बट डोंट नो ये क्या किस तरह से अप्रोच होना दैट इज कचूरा नो इट्स होतो होतो विलेज So right now we are flying above Hoto, that is Hoto और वहाँ पर वो आगे जाके जो है that is called Kachura, Kachura and Shandila and all that. टू स्कर्दू की लैंडिंग का जो ये पार्ट है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें जहाज यहाँ से आगे बैंड होता है गर्व होता है एंड इट गोज बैक टू द रनवे अब इसमें इट्स सो ट्रिकी कि इसने अपनी हाइट भी लूज़ करनी है और इसने मनूवर भी बनानी है वापसी के लिए टूवर्ड्स दी रनवे सो देयर इज़ अ रनवे इज टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड इट्स गोइंग टू द रनवे नाउ सो फाइनली वी आर लैंडिंग नाउ वी आर सेटिंग आवर अप्रोच टूवर्ड्स दी रनवे एंड वी विल बी लैंडिंग इन लाइक नेक्स्ट 30 सेकेंड्स सो ये जो आगे वाली वैली है उधर पीछे जाके आलम ब्रिज है या आयू ब्रिज उसको बोलते हैं प्रॉपर्ली और फिर यहाँ से ये जो वैली है दैट इज कॉल्ड इसका भी कुछ ना कुछ नाम है आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज डूइंग आई मीन इसको अभी तक बहुत सेट होना चाहिए था रनवे के ऊपर एंड इट इज स्टिल सर्चिंग फॉर द रनवे यहाँ पे आके तो प्लेन ऐसे स्टेबल होता है एंड इट्स नॉट सेट ऑन द रनवे एज येट कम ऑन बर्ड वो हाथ तेरे बनने हुए इंडस सो ये क्रॉसिंग इंडस रिवर वी आर अबाउट एयरपोर्ट का जो फेंस है वो स्टार्ट हो गया है एंड वी आर सेट ऑन द रनवे लैंडिंग इन 5 सेकंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 टचडाउन फ्लैप्स आर अप एंड वी आर डाउन ओह माय गॉड फाइनली वेलकम बैक टू स्कर्दू यहाँ पे दर्जाना रात जो है वो कितना है होना चाहिए लाइक 1800 अभी ना उसमें काफी देखते हैं क्या कहते हैं कद्दू के बैन अकवामी हवाई अड्डे उतरने पर खुशाम दी यहाँ पर वाय का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड जिसके मकामी वक्त सुबह के 8:51 हो चुके हैं
خان کے علاوہ تب اس کی خاطر آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے اور حفاظتی بند باندھنے والے نشانات کی روشنی نہ بچھا دی جائے آپ اپنی نشست پکڑ کے بیٹھے رہیں والائی خانے کھولتے وقت خاص خیال رکھے ورنہ سامان گرنے سے چوٹ لگنے کا خدشہ ہے جہاز سے نکلتے وقت آپ اپنا سارا ذاتی سامان اپنے ساتھ لے جائیں اب میں کپتان راشد خان اور ان کے عملے کی جانب سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ابرو کے ساتھ سفر کا انتخاب کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر آرام دہ خوشگوار رہا ہوگا ابرو کو اپنا ہم سفر منتخب کرنے پر شکریہ اور اللہ حافظ جاتے ہوئے ہم نے نا میل نہیں لیا تھا کیونکہ ہمیں اسی فلائٹ سے واپس آنا تھا تو ابھی ہم دوبارہ سیٹ نمبر 1 پہ آ کے بیٹھے ہیں سو ہمارا میل آ گیا ہے جو ہم نے جاتے ہوئے لینا تھا تو آپ کو میل باکس اپنا ریویو کروا دوں یہ ہے جناب اس میں ایک روسیا ہے کروسن بھی بولتے ہیں کروسیا بھی بولتے ہیں وتھ بنانا کیک اینڈ وتھ جوس اینڈ دس کیچپ So this was our mailbox which we were supposed to take while coming but وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ ٹربولنس تھی تو انہوں نے دیا نہیں تھا ابھی ملا ہے سو دس واز آر پلین وچ ہیز براٹ اس ٹو اسکردو انٹرنیشنل اور ابھی اسی سے جو ہے وہ ہم واپس جائیں گے سو دس واز ایئر بلو A320 اینڈ وی آر ویٹنگ فار دا بس کہ یہ جائے گی تو پھر واپس جائے گی جاتے ہوئے ہم نے نا میل نہیں لیا تھا کیونکہ ہمیں اسی فلائٹ سے واپس آنا تھا تو ابھی ہم دوبارہ سیٹ نمبر 1 پہ آ کے بیٹھے ہیں سو ہمارا میل آ گیا ہے جو ہم نے جاتے ہوئے لینا تھا تو آپ کو میل باکس اپنا ریویو کروا دوں یہ ہے جناب اس میں ایک کروسیا ہے کروسن بھی بولتے ہیں کروسیا بھی بولتے ہیں وتھ بنانا کیک اینڈ وتھ جوس اینڈ دس کیچپ So this was our mailbox which we were supposed to take while coming but وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ ٹربولنس تھی تو انہوں نے دیا نہیں تھا ابھی ملا ہے